और आइए जान लेते हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही आज दिन भर से लेकर रात तक के सभी मुख्य समाचार, ताजा और बड़ी खबरों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार को भी। उससे पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। बांके बिहारी के चरण दर्शन करने पहुंचे 5 लाख श्रद्धालु। मंदिर के बाहर 2 किमी लंबी लाइन है। बेंगलुरु से आया 75 किलो चंदन चढ़ रहा। जी हां, मथुरा के वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी महाराज में अक्षय तृतीया पर आज करीब 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। आप भी ऊपर फोटो में देख पा रहे होंगे। अक्षय तृतीया पर भक्त भगवान के चरण और सर्वांग दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के बाहर 3 किमी लंबी भक्तों की कतार लगी हुई है। 12 बजे तक करीबन 2 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसके बाद कपाट बंद कर दिए गए। अब कपाट 4 बजे तक खुले तो अक्षय तृतीया पर मंदिर प्रांगण सजा हुआ है। वहीं मंदिर के सेवायत आचार्य प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी ने जानकारी दी कि बांके बिहारी जी को पीतांबरी पोशाक यानी पीले रंग के वस्त्र और बेशकीमती आभूषण से श्रृंगार किया गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे पर मचा हड़कंप। अलीगढ़ में जमकर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस बोली पाकिस्तान जिंदाबाद की बात है गलत। दरअसल अलीगढ़ में नगर निकाय चुनाव के जनसंपर्क के दौरान एक रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रैली की भीड़ में किसी व्यक्ति ने यह नारे लगाए जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा है और शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह जंगल की आग की तरह फैल गया और लोगों ने ट्वीट करके सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी होने पर पुलिस भी तत्काल इस वीडियो की जांच में जुट गई है और उन्होंने पाया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की बात गलत है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम में बनेगा आधुनिक रिकॉर्ड रूम। सुरक्षित रहेंगे जमीनों के दस्तावेज, एक बटन से मिलेंगी फाइलें। जी हां, वाराणसी नगर निगम का रिकॉर्ड रूम आधुनिक बनाने जा रहा है। एक बटन दबाने से पता चल जाएगा कि किस वर्ष की फाइल कहां रखी गई है। केवल उसी फाइल का केबिन खुलेगा और फाइल निकालने के बाद वह बंद हो जाएगा। इससे फाइलों को खोजने में लगने वाले समय की बचत होगी, साथ ही फाइलों पर धूल धुआं और प्रकाश आदि का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसको भी स्मार्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को हुआ कोरोना समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई टली। जी हां, देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल दर्ज किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 5 जज भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में आज 2 जज ऐसे भी हैं जो समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कोरोना संक्रमित होने वाले जजों में जस्टिस एस रविन्द्र भट्ट, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजीव खन्ना, वहीं जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जे बी पारदीवाला शामिल है। भारत में कब लागू होगी समान नागरिक संहिता, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। जी हां, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लागू करने की योजना बना रही है। भारतीय जनता पार्टी नेता ने कहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राज्य को समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हर उस कदम को उठाते हैं जो इसके लिए आवश्यक है। आज तक को दिए गए इंटरव्यू में रिजिजू ने कहा, फिलहाल मैं इसकी घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारी सरकार और इस देश के लोगों की मंशा क्या है। इसके लिए जो भी करने की जरूरत है वह सही समय सीमा में किया जाएगा। क्या दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि पूरे देश भर में समान नागरिक संहिता लागू हो? कमेंट जरूर करें। अतीक के समर्थन में नारेबाजी करने वाले को भी दाग देनी चाहिए गोली, बोले केंद्रीय मंत्री। दरअसल अतीक अहमद और अशरफ के बाद राजनीतिक गलियारों में भी यह मुद्दा गर्म है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आज उन लोगों की निंदा की है जो अतीक अहमद को महिमामंडित करने की कोशिश कर रही हैं और उनके लिए नारेबाजी भी कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ऐसे लोगों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए। बता दें कि पटना में अलविदा की नमाज के बाद कुछ लोग सड़क पर अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। वे PM मोदी और CM योगी के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। सरेंडर नहीं, गिरफ्तार हुआ भगोड़ा अमृतपाल सिंह। पंजाब पुलिस ने जारी किया पहला बयान। जी हां, बता दें कि 35 दिनों तक पुलिस और खुफिया तंत्र से आंख मिचोली खेल रहा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह आखिरकार हत्या चढ़ गया है। आज पंजाब की मोगा पुलिस ने उसे कुख्यात खालिस्तानी नेता
जरनैल भिंडर वाले के पैतृक गांव रोडे से गिरफ्तार किया है। उसके गिरफ्तारी से पहले माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई। वहीं गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुरुद्वारे में संबोधन के उसके वीडियो भी सामने आए। इस बीच अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद पहली बार पंजाब पुलिस ने बयान जारी किया है। पुलिस ने दावा किया है कि भगोड़े अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया, उसने सरेंडर नहीं किया था। हालांकि पंजाब पुलिस के दावे से पहले मीडिया रिपोर्ट्स थी कि गुरुद्वारे के जत्थेदार ने पुलिस को अमृतपाल के होने की सूचना दी थी। जब पुलिस पहुंची तो अमृतपाल ने सरेंडर किया। उत्तर प्रदेश में आखिर 3 नदियों को कैसे पार कर गए मलेरिया वाले मच्छर, इन नए इलाकों में बढ़ा प्रकोप। जी हाँ, मलेरिया बीमारी फैलाने वाले मच्छरों ने पिछले 3 साल में अपना टारगेट बदल दिया है। दरअसल देश में सर्वाधिक मलेरिया प्रभावित रहे मंझगवां, भगोरा, आमला और रामनगर ब्लॉक के बाद अब इसने 2 नए क्षेत्रों को अपने चपेट में ले लिया है। ये दोनों क्षेत्र 3 नदियों के पार मीरगंज और शेरगढ़ ब्लॉक में है। पूर्व प्रभावित और नए इलाकों के बीच की दूरी करीब 20 किलोमीटर है, फिर भी इन इलाकों में मलेरिया के मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि यह आंकड़ा देश के किसी भी मलेरिया प्रभावित इलाकों में सबसे ज्यादा था। उन दिनों मलेरिया के सबसे अधिक केस मंझगवां, आंवला, रामनगर और भमोरा ब्लॉक में थे। नंदी के तेवर से चला प्रयागराज का सियासी पारा। केशव मौर्य ने रईस शुक्ला को ज्वाइन कराई बीजेपी तो भड़क गए मंत्री। जी हाँ, पिछले साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में प्रयागराज शहर दक्षिणी से बतौर सपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ चुनाव लड़े रईस चंद्र शुक्ला आज भाजपा में शामिल हो गए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महापौर प्रत्याशी के केंद्रीय चुनावी कार्यालय में आयोजित समारोह में उन्हें पार्टी में शामिल किया। वहीं रईस शुक्ला की ज्वाइनिंग के कुछ देर बाद ही कैबिनेट मंत्री नंदी ने इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं और अपनी हठधर्मिता से पार्टी को लगातार क्षति पहुंचा रही हैं। वह उनके मनमाने रवैये की घोर निंदा करती हैं। मंत्री नंदी ने आगे कहा कि उन्हें विश्वास में लेना तो दूर, बिना कोई औपचारिक सूचना दिए ही उनके खिलाफ चुनाव लड़कर बुरी तरह से हारे रईस चंद्र शुक्ला को भाजपा में ज्वाइन कराने का कार्यक्रम अपमानजनक और आपत्तिजनक। शाइस्ता परवीन के समर्थन में गोरखपुर धरने पर बैठ गए प्रोफेसर, बोले अतीक के परिवार को अब न करें परेशान। जी हां, माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के समर्थन में गोरखपुर में प्रोफेसर संपूर्णानंद ने गांधी प्रतिमा के नीचे धरना दिया। शाहपुर निवासी संपूर्णानंद का कहना है कि अतीक के परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अतीक की पत्नी शाइस्ता भय के कारण दर दर भटक रही है। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्कियोलॉजी में पीएचडी करने वाले 58 वर्षीय डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्ण संविदा शिक्षक रह चुके हैं। यूपी निकाय चुनाव बरेली में प्रत्याशियों के प्रचार पर नजर रखेंगी 48 टीमें, चुनाव चिन्ह बटे। जी हां, लखीमपुर में नगर निकाय चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी दिन रात मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। इस बीच वोटर को लुभाने के लिए पैसा, शराब, उपहार बांटने की भी संभावना बनी रहती है। इस पर नजर रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीमें और स्टैटिक सर्विलांस टीमें सक्रिय हो गई हैं। 48 टीमें बनाई गई हैं, प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार पर नजर रख रही हैं। अगर कहीं मतदाताओं को पैसा, शराब या उपहार बांटकर रिझाने का मामला सामने आया तो प्रत्याशी के खिलाफ निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई होगी। वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ADM संजय सिंह ने जानकारी दी कि 12 फ्लाइंग स्क्वाड टीमें गठित की गई हैं। हर नगर पालिका व नगर पंचायत में एक टीम लगाई जाएगी। विपक्षी एकता बनने से पहले मायावती ने नीतीश कुमार को दे दिया बड़ा झटका, आनंद मोहन की रिहाई की तैयारी पर घेरा। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड नेता नीतीश कुमार इन दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि उन्हें अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में ही बड़ा झटका लगा है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आनंद मोहन की रिहाई की तैयारी को दलितों के अपमान से जोड़ दिया। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने हाल ही में एक कानून संशोधन किया है जिसके बाद उनकी रिहाई आसान हो जाएगी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों से भी कई बार यह कह चुके हैं कि वह आनंद मोहन की रिहाई के लिए जो भी संभव है वह कर रहे हैं।
रोज करवट ले रहा है मौसम। अगले 72 घंटों में आंधी पानी के आसार, जाने मौसम विभाग की भविष्यवाणी। जी हां, मौसम रोज करवट ले रहा है। कभी दिन का पारा 6 डिग्री तक गिर जा रहा है तो कभी रात का। अब रविवार से अगले 72 घंटों तक आंधी पानी के आसार है। बताने की शनिवार रात को तापमान 24 से 8 से गिरकर 19.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे ने जानकारी दी है कि आईएमडी ने 22 से 24 तक येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी संभव है। फिलहाल मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा, गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। यूपी में बिजली चोरों को परमानेंट कनेक्शन मिलेगा, जाने पावर कॉरपोरेशन का प्लान। 21 जिलों में शुरू हुआ सर्वे। जी हां, यूपी के पूर्वांचल में अब किसी घर में अंधेरा नहीं रहेगा। शासन की हर घर बिजली से होगा रोशन योजना शुरू हो गई है। इसमें बिजली चोरी करने वालों को भी कनेक्शन दिया जाएगा। सारे कनेक्शन मीटर लगाकर ही दिए जाएंगे। पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज के निर्देश पर पूर्वांचल से जुड़े 21 जिलों के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे शुरू हो गया है। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी निशान जरूर दबा लें।